डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 16, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रिलेशन ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac रिप्रेजेंटेड बाय डी एज ए डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ से आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उससे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं और ABC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ABC की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड होता है कंडीशन कि क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो इक्वल टू जीरो है, क्या लेस देन जीरो है। तो यहाँ हमारे पास 3 केसेस मिलते हैं जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में ये 3 केसेस मिलेंगे। नंबर 1, डी इज ग्रेटर देन जीरो। नंबर 2, डी इज इक्वल टू जीरो। नंबर 3, डी इज लेस देन जीरो। यहाँ पर आपके पास तीनों केस में ध्यान रखना है कि यदि इफ़ यू हैव द डी इज मोर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इन केस डी इक्वल टू जीरो तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। एंड इफ यू हैव द डी इज लेस देन जीरो तो नो रियल रूट्स। यहाँ आपके पास रूट्स रियल नहीं होंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन है। यहाँ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा कि ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों को कि इफ़ यू हैव डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो एंड डी लेस देन जीरो। ये ऑलरेडी आप लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ फाइंड करना हो, यदि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको आप माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a भी लिखेंगे, वेयर डी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब इन केस यहाँ हम डिपेंड करता है कि व्हाट इज डी। डी यदि हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज मिलेंगी। 1 टाइम्स पॉजिटिव साइन लेंगे, 1 टाइम्स नेगेटिव साइन लेकर के मिलेंगे। इन केस डी की वैल्यू 0 आ जाए तो ये टर्म्स आपकी 0 हो गई और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होंगी वो सेम होंगी, माइनस बी अपॉन 2a। और इन केस थर्ड केस में यदि आप डी लेस देन 0 आती है तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा। नाउ अब हम पूछते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इफ यू हैव नेचर ऑफ रूट्स और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स इफ हैव द रियल रूट्स। तो यहाँ हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करते हुए चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ से डी क्या है। डी यदि पॉजिटिव है तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ABC, हमने कंपेयर कर लिया है, दैट्स ए इज 2, बी इज माइनस 5 और सी इज माइनस 3। तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम यूज करेंगे माइनस बी, बट उससे पहले हम डी फाइंड करते हैं। चेक डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एज माइनस 5 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 3। मीन्स आपके पास यहाँ आएगा 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24। मीन्स ये 49 आया और 49 इज अ पॉजिटिव मोर देन 0। ये मोर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ कहेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ रियल एंड अनइक्वल। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके पास ये रियल रूट्स हैं
तो उन रूट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आप अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल दें d की वैल्यू को, तो x की वैल्यू निकाल लें, देन x इक्वल टू माइनस b, और व्हाट इज b, फॉर्मूला लिख देते हैं b माइनस प्लस माइनस d अपॉन 2a, मीन्स आप क्या लिखेंगे माइनस एंड माइनस 5, क्यों b की वैल्यू माइनस 5 है, देन प्लस माइनस रूट ऑफ 49, और 49 आपके पास क्या है, वो 7 का स्क्वायर भी है, तो आप इसको लिखेंगे x इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, एंड प्लस माइनस यहाँ रूट 49 है तो आपके पास 7/4। अब आप इसको क्या लिखेंगे, x की दो वैल्यूज होंगी, एक क्या होगा 5 + 7/4, और दूसरी क्या होगी 5 - 7/4, मीन्स x की वैल्यू आएगी 5 + 7 = 12/4 = 3, और यहाँ से आएगा x की वैल्यू -2/4 मीन्स -1/2। ये आपके दो सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था फर्स्ट वो कंप्लीट हुआ, उसमें ये क्वेश्चन था कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, फिर आपको ये चेक करना था कि रूट्स कैसे हैं, तो रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, रूट्स अनइक्वल हैं तो आपके पास दोनों रियल भी आ गए और अनइक्वल भी आ गए। नेक्स्ट आपके पास जो वर्क है उसमें क्या है, लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्नड, मीन्स मार्क द राइट एंड रॉन्ग, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि d इज ग्रेटर देन 0 है, मीन्स b² - 4ac इज ग्रेटर देन है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। यही उसने पूछा है कि हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इट इज़ यस। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, आप यहाँ लिखना चाहें क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें आप यस लिख दें या फिर राइट लगा दें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फिर क्वेश्चन पार्ट है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ax² + bx + c = 0, b² - 4ac इज नोन एज डिस्टिंक्ट। तो इसको आप जो कंसिडर किया सबसे पहले वही पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो यस इट इज ऑल्सो, तो यही आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो, तो यहाँ आप लिख दे हो यस या इसको राइट का निशान लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा है कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, के ये हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ हम इसको लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चेक करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी। इक्वेशन है x² - 5x - 7 = 0, तो वे कंपेयर टू दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन, देन ए इज 1, बी इज -5 एंड सी इज -7। तो यहाँ से आप डी फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डी b² - 4ac में अप्लाई करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास -5 है, -5² - 4 × 1 −7, मीन्स -5² = 25, −+4 = 7, 4 + 28 मीन्स ये आ गया 53, और 53 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, ये आपका 53 पॉजिटिव है। तो यू क्या कहेंगे आप, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल बट अनइक्वल, रियल बट अनइक्वल, रूट्स रियल बट अनइक्वल। लेकिन आपके पास उसने पूछा रियल एंड इक्वल, तो यहाँ हम कहेंगे नो, यहाँ आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल तो हैं बट इक्वल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आपकी जो वर्कशीट है उसके सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आप इनको कंप्लीट कर लें, और इन केस आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्टली मिल सके। थैंक यू।